ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्छे ओम ग्लोम हूं क्लीं जूं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्छे ज्वल हं शं लं छं फट स्वाहा। देखिए क्या होता है कि जब भी हम बहुत सारे कार्य ऐसे करते हैं कि उन कार्यों को जब आप बाद में सोचोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये मैंने कैसे कर दिया। या आपने कई लोगों को ऐसे देखा होगा कि वो बहुत गलत कार्य कर रहे होते हैं और आप उन्हें देख के कहेंगे देखो पागल है, इसे पता है कि ये सब चीज़ें गलत है फिर भी कर रहा है। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें इस बारे में पता होता है कि ये कार्य गलत है, ये चीज़ें गलत है, लेकिन फिर भी वो कर रहे होते हैं। अब वो स्वयं ही कर रहे होते हैं या फिर उन्हें पता ही नहीं होता कि वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सोचने वाला विषय हो जाता है। देखिए जब आपको मालूम हो, जब आपको पता हो कि कोई चीज़ गलत है, उसके बाद भी अगर आप वही चीज़ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हमारी बुद्धि बंधी हुई है या उस व्यक्ति की बुद्धि बंधी हुई है जो व्यक्ति इस गलत कार्य को कर रहा होता है। देखिए क्या होता है, कभी कभी माया जो होती है, माया का अर्थ यह है, माया हम उसे कह सकते हैं जो जीवन की जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे कुछ पाना हो गया या कोई चीज़ हम लालच बस पाना चाहते हैं, कुछ भी चीज़ें जो आपको आकर्षित करती हो, माया जैसा होता है। तो कोई माया जैसे मान लीजिए आपसे कुछ गलत कराना चाहती है, कोई ऐसी शक्ति जो आपसे गलत कराना चाहती है, आपकी जो सोचने समझने की शक्ति होती है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होने लगती है। और ख़ासकर ये सब चीज़ें उन लोगों के साथ में ज़्यादा होती हैं जो लोग पूजा पाठ से जुड़े हुए नहीं होते हैं। हाँ ये मानते हैं कि वो लोग मतलब मंदिर घूमने जाया करते हैं, कभी ये इनके दर्शन कराए कभी उनके दर्शन कराए, लेकिन उनकी जो नित्य पूजा होती है वो ना के बराबर होती है, या कभी पूजा करते हैं या कभी पूजा नहीं भी करते हैं। इस तरह के व्यक्ति जो होते हैं उनके कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी शक्ति, उसे आप गलत भी बोल सकते हैं, सही शक्ति भी, कोई भी शक्ति बोल सकते हैं, जो उनसे कुछ ऐसा करवा लेती है जो वो नहीं चाहते हुए भी कर लेते हैं। उनकी ऐसा लगता है जैसे बुद्धि घूमी हुई है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अब उसे पैसे की प्रॉब्लम है, ठीक है, वो आगे उसे बढ़ना चाहिए, उसे कुछ कार्य करना चाहिए, लेकिन वो कार्य नहीं करता। उसके हाथ में जैसे ही पैसा आता है वो उसे बस खर्च करने में लग जाएगा, वो इधर उल्टे पुल्टे कामों में खर्च कर देगा या ऐसी चीज़ों में खर्च कर देगा जहाँ खर्च नहीं करना चाहिए था, बल्कि उन्हीं पैसों से वो आगे बढ़ सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है, वो उस पैसे को गलत तरीके से खर्च कर देता है। उसके बाद में जब सारे पैसे ख़त्म हो जाते हैं फिर वहीं से जहाँ से चला था वहीं पहुँच गया। कहने का अर्थ यह है कि उसने कुछ नहीं पाया, तो उसको देख के लगता है कि हाँ यार इसकी बुद्धि घूमी हुई है, ये कुछ कर सकता था जीवन में, ये कुछ ऐसा कर सकता था लेकिन ये नहीं कर पाया। और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो लोग, कुछ लोग गलत सोच रखते हैं, वो बहुत कोशिश करते हैं कि सही सोचें लेकिन फिर भी उनके मन में दूसरों के प्रति गलत विचार आते ही रहते हैं, वो गलत सोचते ही रहते हैं, किसी भी ना किसी रूप में वो गलत सोचते रहते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो ना चाहते हुए भी कुछ ऐसा गलत कर देते हैं, बाद में उन्हें अफसोस होता है इस बात का कि हाँ ये मैंने क्यों कर दिया, मुझे नहीं करना चाहिए था, तो वो सारी चीज़ें होती रहती हैं। इन सब चीज़ों के होने का ये जो कारण होता है वो कारण ये होता है कि आपकी जो किस्मत में चीज़ें मिलने वाली होती हैं, जो भी आपके कुंडली के हिसाब से आप जीवन में जो आपको मिलने वाला होता है या आपके साथ बुरा होने वाला होता है, जैसे मान लीजिए कोई ग्रह आपका खराब है कुंडली में और उसकी दशा महादशा आने वाली है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है वो आपके जीवन में बुरे परिणाम देगा। तो जब बुरे परिणाम देना होगा तो क्या आपसे गलती करवाएगा, मतलब आप गलती कुछ ऐसी गलतियाँ कराएगा जिसकी वजह से आपको उससे परेशानी झेलनी ही पड़ेगी। तो जैसे शनि ग्रह खराब, आपको मालूम है शनि ग्रह न्याय के देवता हैं, ठीक है, उसके बाद में अगर वो आपकी कुंडली में ख़राब है, मान लीजिए वो शत्रु हैं, मारक ग्रह हैं, तो वो आपको बुरे परिणाम देंगे ही देंगे, अपनी मारकता के हिसाब से वो प्रभाव दिखाएंगे ही दिखाएंगे। तो क्या होगा, आपसे गलत करवाएंगे, हो सकता है कि आपसे क्या बोलते हैं लालच वाला कोई कार्य करा, जैसे आप किसी पद पर हैं तो आप वहाँ से बहुत सारा क्या बोलते हैं लोगों से पैसा ले रहे हैं, बहुत सारा धन गलत तरीके से अर्जित कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें आपसे कराते रहेंगे, गलत काम करवाते रहेंगे, आप ये नहीं देखेंगे कि वो व्यक्ति गरीब है या परेशान, आपको उससे मतलब नहीं है, आपको सिर्फ पैसे से मतलब रहेगा, आप पैसा लेने का सोचते रहेंगे कैसे कि मैं इससे पैसा ले लूँ, तो बिना पैसे लिए काम नहीं करेंगे। तो जब शनि का समय आएगा, जब शनि देव का समय आएगा, जब उनका
टाइम आएगा ग्रह, जब उनके ग्रह की दशा अंतरदशा या महादशा चलेगी, तो वो आपको फिर उसका परिणाम देंगे ही देंगे। फिर आप एकदम से इतना ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, हो सकता है रिश्वत लेते हुए आपको कोई CBI वाले पकड़ लें, या कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाए, या आपकी बदनामी हो जाए, या कुछ छोटे से गलत कार्य के चक्कर में आप बड़ी सज़ा आपको मिलने लगे, आप छोटे से गलत कार्य करेंगे वैसे ही पकड़ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जीवन में होने लगती हैं। तो बुद्धि जो आपकी बंधी होती है ना, वो कई तरह से बंधी होती है। कभी कभी उसके जो कारण होते हैं ग्रह होते हैं, कभी कभी हमारी नकारात्मकता के कारण बुद्धि बंधी होती है, कभी कभी क्या होता है कि हम पूजा पाठ नहीं करते हैं, पूजा पाठ ना करने के कारण भी बुद्धि बंधी होती है। क्योंकि जब सकारात्मक ऊर्जा नहीं रहेगी आपके पास में, तो आपका जो समय रहेगा वो गलत ही चलेगा। जब सकारात्मक ऊर्जा होती है तो क्या होता है कि सोचने समझने की जो क्षमता होती है उसका विकास हो जाता है। आप जैसे कुछ गलत करने जा रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं आप रुक जाते हैं उस गलत कार्य करने के लिए, क्योंकि कोई अच्छी शक्ति भी आपके साथ में कार्य कर रही होती है। लेकिन जब आप पूजा पाठ से नहीं जुड़े रहते हैं, मंत्र जप या इन सब चीज़ों से नहीं जुड़े रहते हैं, अध्यात्म से नहीं जुड़े रहते हैं, भगवान में आपका विश्वास ही नहीं होता है, तो क्या होता है नकारात्मक शक्तियाँ हावी रहती हैं आप पे। ना चाहते हुए भी वो सब चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी जो आप नहीं। कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे लोगों के अंदर कुछ ऐसी नकारात्मक शक्तियाँ आ जाती हैं जिसकी वजह से उनकी गलत आदतें पड़ जाती हैं। कोई जुआ खेलना शुरू कर देता है, तो कोई शराब पीना शुरू कर देता है, सब कुछ जैसे जो शराब पीने वाले हैं बहुत ज़्यादा पीते हैं, जब वो होश में रहेंगे ना तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे, हाँ ये गलत है, ऐसा है, वैसा है, लेकिन जैसे ही पीने जाएंगे वैसे ही वो अपने आप को रोक ही नहीं पाएंगे। इतनी ज़्यादा उनकी ज़्यादा लत लगी रहती है कि वो बिल्कुल जब तक कहीं गिर नहीं पड़ेंगे पीते पीते, तब तक वो पीते ही रहेंगे उस लास्ट मोमेंट तक। या जो लोग जुआ खेलते हैं तो वो खेलते ही रहेंगे, जब नहीं खेलेंगे तब उन्हें समझ में आएगा नहीं यार ये गलत था, लेकिन जैसे ही खेलने बैठेंगे वैसे ही उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि वो गलत खेल रहे हैं या गलत कर रहे हैं। पूरा सब कुछ हार जाएंगे, पूरा अपना जीवन बर्बाद कर लेंगे, घर में जो पैसे बचा के रखे होंगे वो सारे ख़त्म कर देंगे, पारिवारिक झगड़े होते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं देख के लगता है हाँ यार इनकी बुद्धि बंधी हुई है। इसका उपाय सिर्फ यही है कि जब आप सकारात्मक चीज़ों से जोड़ना शुरू कर देंगे, जब आप सकारात्मक चीज़ों से जुड़ के मंत्र जप करना शुरू कर देंगे, या फिर पूजा पाठ करना शुरू कर देंगे, भगवान के मंदिर में दीपक जलाना शुरू कर देंगे, तो आपके जीवन में धीरे धीरे करके बदलाव भी होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब आप अच्छी शक्तियों से जोड़ना शुरू करते हैं तो वो आपके दिमाग को कुछ इस तरह से परिवर्तित करते हैं कि आप गलत चीज़ें करेंगे ही नहीं। धीरे धीरे करके योग बनना शुरू हो जाते हैं, आपकी गलत चीज़ें सही होना शुरू हो जाती हैं, और सब कुछ सही होने भी लगता है, केवल विश्वास की ज़रूरत पड़ती है। आशा है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।